शिवपुरी जिले में चल रहे यातायात सप्ताह के तीसरे दिन नगरपालिका और यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्यवाही ग्वालियर बाईपास से लेकर कमलागंज तक की। इस कार्यवाही में अस्थायी अतिक्रमण जैसे ठेले स्टॉल दुकानदारों द्वारा सड़क पर सामान रखना एवं सड़क पर रेत गिट्टी डालना आदि शामिल था। इस दौरान कमलागंज स्थित लाल पैथोलॉजी को नगरपालिका द्वारा 24 घंटे का नोटिस दिया गया है, क्योंकि उनके पास मेडिकल वेस्ट के पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे। आज इस कार्यवाही में 6 लोगों पर कार्यवाही की गई, जिसमें नंदू गोयल नाम के व्यक्ति ने जल मंदिर रोड को पूरी तरह बंद कर उस पर गिट्टी और रेत डाल रखी थी, जिससे आमजन को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके चलते उसका 5,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नगर पालिका और यातायात के साथ मिलकर ये किस क्या ये पूरा मामला अतिक्रमण किस प्रकार का हटाया जा रहा है? अभी हमारा क्या है, यातायात सप्ताह चल रहा है, तो हम लोगों ने उनके साथ मिलकर और ये अभियान मनाया है कि यातायात सप्ताह और हमारा नगर पालिका का पूरा स्टाफ मिलके और हम लोग एक सफाई अभियान चला रहे हैं कि जो ठेले रोड पे आ जाते हैं तो जो आने जाने वाले लोग हैं वो सही से नहीं निकल पाते और इसमें कभी भी एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ठेले वाले सिस्टम से लाइन से अपने ठेले अंदर लगाएं, जहाँ पेवर्स लगे हैं उनके पीछे लगाएं। वो लोग तो बिल्कुल थीम सड़क पे आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरी थीम रोड को क्लियर करें, सुंदर शहर बनाए, स्वच्छ बनाए, साफ सुथरा बनाए। और ये पखवाड़ा भी है यातायात वालों का, तो हम लोग उनके साथ में बढ़िया जन सहयोग करके और आप लोगों का भी सहयोग हमको मिलना चाहिए इसमें, तभी तो शहर को सुंदर स्वच्छ बनाएंगे अपन। तो जितने भी जो ठेले वाले हैं इनके लिए के जगह पीछे से निर्धारित कर रखी है कि सिर्फ और सिर्फ आप फुटपाथ पे लगाएंगे? बिल्कुल फुटपाथ पे लगाएंगे। तो पैदल निकलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ जो रहेगा अंदर लगाएं, अंदर लगाना है उसको, नली के पीछे बिल्कुल नाली बनी हुई है, नाली के पीछे लगाएं, फुटपाथ को भी छोड़ दें थोड़ा सा। अब क्या है, दुकानों वालों को देखो, दुकान तो किनारे पे लगी हुई है लेकिन उनका सामान पूरा सड़क पे रखा है, तो कम से कम उस सामान को अपनी दुकान के अंदर रखे ना। तो इसमें आज आपने सिर्फ अतिक्रमण हटाया है कि चालानी कार्रवाई भी कुछ इसमें की गई है? हम अतिक्रमण भी हटा रहे हैं और चालानी कार्रवाई जहां हमको लगेगी तो करेंगे, नहीं आज तो हम वार्निंग देके छोड़ेंगे और आगे तक मैडम और आने वाले समय में चालानी कार्रवाई करेंगे। ये पूरा सप्ताह पूरा सप्ताह चलेगा ये थीम रोड, यहाँ से ग्वालियर बाईपास से गुना बाईपास तक जितने भी पूरे रोड पे जितने ठेले हैं सबके साथ में वो पूरी कार्रवाई। हम लोग ये ग्वालियर बाईपास से गुना बाईपास तक लेंगे, पूरा थीम रोड, कोट रोड भी लेंगे और बस स्टैंड भी लेंगे। ये तो पूरा एक सप्ताह का पखवाड़ा है, तो बड़ी जितनी भी रोड़े हैं अपनी उनको हमको क्लियर करना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।